ये सच्ची बात बोल रहा हूँ कि आई रियली वॉन्ट गो टू स्कूल अगेन. सो आई व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू और व्हेन एवर आई लुक एट एनी किड आई फील कि यार और एक चांस मिला तो बहुत अच्छा हो गया. सो पहले मैं आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट सच बोल रहा था, यही काम करता था मैं जब मैं स्कूल में था. मैं क्लासेस बंक करता था, मेरा अटेंडेंस 60% से ज्यादा कभी नहीं था. दोस्तों से बहुत खेलता था, आई लव प्लेइंग विद फ्रेंड्स. आई एम अ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर, स्टेट और इंटरनेशनल नहीं बट डिस्ट्रिक्ट में खतरनाक खेलता था मैं. ओके, एंड देन आई ऑलवेज बिलीव इन द लास्ट डे स्टडी. एग्जाम के एक रात मुझे ऐसे बिलीव करता था कि शक्तिमान मेरे साथ बैठता था कि लास्ट डे जो भी पढ़ता हूँ ना पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आते थे एग्जाम में और पास हो जाता हूँ. सो आई बिलीव इन इट कि शक्तिमान मेरे पास बैठता था और लास्ट डे स्टडी सबसे यूजफुल होता था. एंड I always used to attend my favorite classes. Now this is something, though I usually karta tha, I used to love that. Ki main mathematics, I love mathematics. Okay, and mujhe English bahut pasand hai. So ye dono classes, whatever come mein, I used to attend them. Even if my friends are playing somewhere, I used to skip the game, aake class attend karta tha. So even if the above activities give you a perception that okay, this guy is not a good student, nahi. मैं जो सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे लगते थे आई यूज टू गिव देम माय हार्ट टू इट बेसिकली. एंड हाँ, बाकी सब्जेक्ट तो बाय हार्ट कर लेता था मैं. ओके, सो फिजिक्स इसमें था एक था. सो केमिस्ट्री भी आई थिंक थोड़े बच्चों को पता होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल के कुछ सब्जेक्ट होता है. AO प्लस CO2 गिव्स CaCO3. मैं बायहाट कर लेता था, काओ प्लस टू को टू गिव्स काको थ्री, वो मैं बायहाट कर लेता था और एग्जाम में लिखते थे था, 2 मार्क्स आते थे. सो मुझे पता नहीं वो क्या है बट आई डिड इट लाइक दैट. बट देयर वर टाइम्स वेयर यू नो व्हाट, वी ऑल गेट गुड फ्रेंड्स और कोई अंकल या लाइक दीज मीटिंग्स वी मीट पीपल लाइक पंकज अभिषेक, नाइस पीपल. एंड हमको कुछ आइडियाज देते थे कि यार being a good student doesn't mean you have to stop enjoying, you can have a mix of them both, right? वैसे ही मेरा इंजीनियरिंग में एक दोस्त मिला था बीटेक सेकंड ईयर में, वो मेरा पूरा लाइफ को बदल कर दिया था. वो मेरा पिछले कंपनी में पार्टनर भी था. सो दैट्स द रीजन आई से ऑलवेज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. सो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट आई स्टार्टेड वेरी लेट. नंबर वन, here I'd like to go into a little detail, guys. If you have any questions, you can ask me. Connect things to real world. पहले मुझे जब physics पढ़ते थे, so मुझे resistor, capacitor, inductor, I don't even remember the word. मुझे मैंने campus interview में पूछा गया था कि what is the difference between these three, and मैंने बोला था कि ये तीनों एक ही चीज होते हैं but different material से बनाते थे. so मुझे campus interview में reject कर दिया था. okay, so मुझे बिल्कुल पता नहीं था. so and physics में हमको ये भी होता है ना, momentum, speed, velocity, mass, weight, वो सब पता नहीं था यार. कि क्योंकि मैं always सोचता था कि हाँ ये 10 formula है इस ईयर के लिए, ये बायहाट कर लिया तो मार्क्स आएगा. बट आई मेट अ वेरी गुड फ्रेंड जो मुझे भाषण नहीं देता था बट ही यूज्ड टू हेल्प मी अंडरस्टैंड इन रियल वर्ल्ड. एग्जांपल, ही यूज्ड टू से यार अगर मैं खुद बाइक पे बैठ के 50 स्पीड में गया और ब्रेक लगाया तो शायद 2 सेकंड में ब्रेक लगता है, बट अगर हम ट्रिपल्स पे गए, ट्रिपल्स पे मत जाओ इट्स इलीगल, डबल्स डबल पे गए हम दोनों बाइक पे, इफ वी बोथ आर ऑन द बाइक एंड इफ वी ड्राइव एट द सेम स्पीड एंड देन अप्लाई द सेम ब्रेक, इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू अप्लाई द ब्रेक. सो वो मोमेंटम, स्पीड, मास, वेट, ये सब के बारे में रियल वर्ल्ड कनेक्शंस के बारे में बात करता था. तब तक टिल आई वाज डूइंग बीटेक सेकंड ईयर, नोबडी टोल्ड मी दैट व्हाट यू लर्न इन द बुक्स इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी एवरीवेयर. We see current, ironing box घर में करते थे ना, ये you press your clothes, ironing करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, press करते हैं, इस्त्री, correct बात,
इट्स द सेम वर्ड इन तेलुगु बट आई वाज अनश्योर बट द सेम इन हिंदी स्त्री राइट. सो जब ये सब करते हैं ना वो 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 कोल के स्त्री होते हैं स्टीम के होते हैं ये प्रेशर कुकर में स्टीम आते थे. सो हाउ डज द फूड गेट कुक्ड वो सब ना हम छोड़ देते हैं बेसिकली. नाउ If you ask me, सत्या स्टीम के बारे में पढ़ने से कोई आइंस्टीन बन जाता है क्या? शायद बन सकता है, बट उन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेंट कर दिया था ना. बट वॉट हेल्प्स यू व्हेन यू कनेक्ट योर एडुकेशन टू द रियल वर्ल्ड इज ये छोटे छोटे चीज होते हैं ना, इट विल एक्चुअली एक्टिवेट योर ब्रेन. क्योंकि योर ब्रेन गेट्स यू सी हमको क्या था स्कूल में दिया था, ओके काओ प्लस को टू काको थ्री बाई हार्ट टू मार्क्स. सो आवर ब्रेन इज काइंड ऑफ ट्यूटर्ड की यार पढ़ाई डिफरेंट है लाइफ डिफरेंट है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट कनेक्टिंग ये छोटे छोटे चीज, हम आइंस्टीन नहीं बनना है बेसिकली, रिलैक्स गाइस, किसी को यहाँ पे नहीं बनना है राइट. जब टाइम आता है आप आइंस्टीन का बाप बन जाएगा. ओके लेट द टाइम. किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट है क्या आइंस्टाइन या बनने में या इंस्पायर्ड हुए आइंस्टाइन के टीचिंग से? Sorry, was it a question? Sorry. It's a question to everybody else. क्या कोई आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड है इतना कि do you want to be like आइंस्टाइन एंड जितना उसने ऑसम काम किया? All right, that's probably a no from everyone. Maybe नहीं हुआ भाई. What about Elon Musk? Elon Musk का क्या सीन है? कोई है जो Elon Musk की तरह बनना चाहता है? Yes sir. Yes sir. Invention here. Very nice guys. So I will tell you something about this Satya. I want to add on to this. So when I was in like class 8-9 most probably at that point of time I came to know about Elon Musk. तो उस टाइम में 2012-13 के टाइम में इलॉन मस्क के बारे में पता चला. SpaceX was the new founded company by him in 2006. तो उस टाइम से मैं फॉलो करता था. I was really inspired by that person. लेकिन क्या होता है ना कि हमारे अभी के टाइम में ना बहुत लोगों को बहुत चीज के बारे में पता ही नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये जो आइंस्टाइन और न्यूटन है ना, दीज आर लाइक टेक्स्ट बुक में आते हैं. लेकिन नए टाइम पे क्या हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस क्योंकि वो सब सोशल मीडिया पे आता है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. So that's true guys. I mean, agar aap ye Elon Musk bo- see, it's not just science here. And whenever we talk about education, it's not necessarily what you call Elon Musk or this entrepreneurs or scientists. Aap Virat Kohli ko dekho, Ravichandra Ashwin ko dekho, koi bhi. Agar aapne Australia India tour ke baad Ravichandra Ashwin ka interview dekha to, ek bande ne unhe pucha ki yaar, tumko batting nahi aata hai. बट तुझे मस्त बैटिंग किया था उस फाइनल गाबा टेस्ट मैच में और बचा दिया टेस्ट मैच को, कैसा खेला था यार. एंड वो एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के बारे में बात कर रहा था. एंड आई वाज लाइक, अरे यार क्रिकेट को फिजिक्स आता है क्या? मैं सोचा क्रिकेटर बनने के लिए बचपन से ओनली खेलो खेलो खेलो, गेट पास मार्क्स, खेलो खेलो खेलो. आई वॉज रियली सरप्राइज्ड. वो बोल रहे थे कि सी बॉल ऐसा आ रहा है और फील्डिंग यहाँ पे रखा था, सो मुझे बस यही है करना है कि बैट से छुओ. अगर मैं बैट को बॉल बैट से बॉल को छुआ तो द बॉल एट द स्पीड एट विच दे आर बॉलिंग एट मी, इट विल नेवर गो एज अ कैच टू समबडी. एंड वो डिस्कशन एक नाइन्थ एंड एइथ बैट्समैन के बीच में हुआ है, वो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं है. सो द पॉइंट देयर इज ऑल दिस जेंटलमैन डिड इज दे टुक अ कॉमन सेंस. एंड रविचंद्रन अश्विन सेज इट इज अ डिस्कशन दैट ही हैड विद अ नॉन क्रिकेटिंग फ्रेंड which taught him how to bat. A non-cricketing guy, jaisa main, right? Hum cricket itna mashhoor nahi the, but ek non-cricketing bande se. So, yahan humko kya seekhne ke liye milta hai? Kuch seekhne ke liye expert ki zarurat nahi hoti hai. Unless you start applying a chote-chote cheez. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक रविचंद्र अश्विन जो 10th batsman की तरह खेलता है, उसके दिमाग में भी छोटा छोटा पॉइंट रियलिस्टिक कनेक्शंस करने से उनका ब्रेन एक्टिवेट होता है. एंड ब्रेन होता है ऐसा होता है यार, आई एम द मोस्ट लेजीएस्ट गाय यू विल कम अक्रॉस, ओके, बट आई वर्क फॉर 20 आवर्स अ डे. द वे आई डू इट इज आई एक्टिवेट माई ब्रेन. मैं मेरे ब्रेन को लेजी नहीं बनने देता हूँ. जैसा नेटफ्लिक्स डिजेबल कर लेता हूँ, हॉटस्टार डिजेबल कर लेता हूँ. मैं एक ही लिया था प्राइम जस्ट बिकॉज माई किड वॉचेज यूट्यूब. उसके लिए भी कल लास्ट मंथ मैंने डिस्कवरी लिया था. मैंने बोला था जानवर को देखो खुद तो सीखो, हम सब वहीं से आए थे. सो मैं ये बोल रहा था कि यार मेरा पहला सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि आप जो भी क्लास में हो, जो भी वर्टिकल हो, मे बी देर सिंस देर आर बीटेक गाइज, आप आई टी में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैकेनिकल में हो, आप ट्राई टू कनेक्ट इट विथ रियल वर्ल्ड.
And when I, since I was talking about real world, let me just also mention here a point ki, do real world things. And guys, ये सबसे important है. हम सब क्या सोचते हैं कि किसी बंदे ने टेलीफोन को इन्वेंट कर दिया है, किसी बंदे ने वो इस्त्री मशीन को इन्वेंट कर दिया है. सो मैं भी मेरे फ्रेंड से यही बोलता हूँ कि यार हम शायद एक 50 साल पहले बॉर्न होना चाहिए था. सो हमको बहुत सारे इन्वेंट करने के लिए चांस होते थे. अभी अभी सब कुछ इन्वेंट हो चुका है यार, हमको क्या करना है बेसिकली. बट एज समवन वाज सेइंग, एलन मस्क आया था, कुछ इन्वेंट कर दिया था, राइट. सो हमेशा चांस होता है कुछ करने के लिए. बट टू डू दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आप जो पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, डू समथिंग विद अप्लाई करें रियल वर्ल्ड में. व्हाट एवर यू डू इन योर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, राइट. एग्जांपल, यू आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाट एवर यू आर डूइंग, डू सम, इट माइट हैव ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड. लाइक आई नो अ किड हु इज माय वॉचमैन सन, ओके. वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, वो सेवेंथ क्लास कुछ पढ़ रहा है बेसिकली, ओके. सो उन्होंने क्या किया कि वो यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लेते हैं, एंड आई गेट वेरी एक्साइटेड एट हिम. कभी कभी मुझ में थोड़ा एनर्जी कम हो गया तो मैं उस बच्चे के पास जाता हूँ, क्योंकि सेवेंथ क्लास बंदा यार क्या बात करता है, एंड आई फील लाइक हाँ यही मेरा मेंटर है, कोई नहीं है, ओके. सो ये बंदे ने क्या किया कि उसने यूट्यूब में कुछ सीखा था कि रिमोट कंट्रोल से आप जो कर्टन्स होते हैं ना ओपन क्लोज करते हैं, उसने यूट्यूब में कुछ देखा है, ओके. एंड वो उनके लेक्चरर के पास गया था, द लेक्चरर वाज वेरी इंटरेस्ट. टुगेदर दे मेड द डिवाइस, ओके. सी, वो रिमोट इतना बड़ा है, वो इतना छोटा सेक्सी वाला नहीं है, इतना बड़ा है. सो आप उनको मार्केट नहीं कर सकते, वो कोई नहीं खरीदेगा. बट द पॉइंट देयर इज, उसका ब्रेन में इतना सेटिस्फैक्शन आया कि जो मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, जो मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, जो मैं एक्सपर्ट से कुछ सीख रहा हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके कुछ कर चुका हूँ. हिज फादर इज सो इम्प्रेस्ड, हिज सराउंडिंग्स आर इम्प्रेस्ड, एंड मोर ओवर हिज ब्रेन इज सुपर एक्टिवेटेड. ऐसे छोटे छोटे चीज करने से आपके दिल और दिमाग में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. एंड आई ऑलवेज से टू माई एम्प्लॉयज, माई कोलीग्स एंड एवरीबडी कि भाई स्किल कुछ भी नहीं होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ब्रेटली के बॉलिंग में भी आप रविचंद्र अश्विन बैटिंग कर सकता है. आप में से कोई रविचंद्र अश्विन को अगर क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप में से कोई रविचंद्र अश्विन को बेस्ट बैट्समैन नहीं कहते हो. बट ये बंदे ने एक टेस्ट मैच बचाया, क्यों? कॉन्फिडेंस, राइट. सो कॉन्फिडेंस हियर आर हियर बोथ. सो डू स्मॉल स्मॉल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो, जब मैं कंप्यूटर्स पढ़ रहा था वो टेट्रिस गेम्स होते हैं ना, yes. और नोकिया फोन्स में जो स्नेक है ना, मैंने वो प्रोग्राम बना के मेरे गर्लफ्रेंड को दिया था. आई हैव अ गर्लफ्रेंड, उन्हें दिया था, एंड शी वाज मल्टी इंप्रेस्ड. मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किया था, वो बोले क्या प्रोग्राम बनाया था, दैट वाज कॉन्फिडेंस टू मी. उसके बाद मैंने टेट्रिस किया, उसके बाद सी से मैंने 3D ऑब्जेक्ट रोटेशन वो सभी कर लिया था. सो वहां से क्या हो रहा था, मैं जो सीख रहा हूँ क्लास में, मैं रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन माई ब्रेन स्टार्टेड गिविंग मी न्यू आइडियाज. दैट इज वेयर ब्रेन इज फैंटास्टिक. Your everybody's brain is very lazy. वो यही बोलते हैं कि भाई relax, Hotstar open करो, web series open करो, दोस्त के साथ खेलो. But if you train it, एक छोटा ignition दिया तो आप उनको ऐसा magic करता है brain कि आप खुद इनको control करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि this brain works magic to you guys. Apply real world stuff as little as possible. Don't worry if that is already invented. There is no problem. The next thing I've started very late, around BTech second year or maybe first year was, मैं मेरे दोस्तों को I started teaching them. It's not that my friends are dull. तो हमने एक नया plan शुरू किया था, क्योंकि हम लोग classes bunk करते थे. So हमने क्या सोचा कि भाई mathematics 1-2 classes attend कर. Like math, let's say एक बंदे को physics बहुत अच्छा आता है, right? मुझे physics नहीं आता है. So वो बंदे मुझे he used to teach me. Okay, so it and I am very good at mathematics, so I teach him. So वहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी को teaching करते हो ना, आपके brain क्या सोचता है कि okay, ये बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, इससे सरल में कैसे explain कर सकते हैं. Your brain understands कि okay, कहीं पे मैं connection miss कर रहा हूँ, कहीं पे उनको बयहत करने के लिए encourage कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, इससे सारा सरल, इससे real world कैसे explain कर सकता हूँ. So किसी को explain करने में your brain thinks 10 times more than
what you learned by yourself. So agar aapke dost hain so cricket khelo, video games khelo, sab kuch karo, but teach to each other something, a little lesson or something, and make it a daily habit.